हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली की है। क्योंकि सवाल ये पूछा गया कि सर टैली में दिखाई कहाँ देता है। भाई जो जीएसटी लगता है वो दिखाई कहाँ देता है? दिखाई तो देता नहीं है। अभी कुछ देर पहले एक वीडियो अपलोड की थी मैंने, जिसमें सवाल मुझसे यही पूछा गया कि सर टैली में जीएसटी नहीं दिखाई देता है, जीएसटी दिखाई कैसे देगा? जब आप एक्टिवेट करेंगे तो उस वक्त टैली में जीएसटी दिखाई देता है। तो यहाँ इसे एजुकेशनल कोड पे लेकर के ओपन करता हूँ, यही वो कंपनी है और वो एंट्री दिखाता हूँ आपको जो अभी पास की गई है। तो ये जो एंट्री थी यही वो एंट्री थी। अब इसमें आईजीएसटी 123 रुपए दिख रहा है, लेकिन कितना परसेंट हमने लगाया ये कहां से डिसाइड होगा? ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना परसेंट हमने जीएसटी लगाया है इस पे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल वे में देखिए, यहाँ पे आप गेटवे ऑफ टैली पर रहिए। गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए आपको प्रेस करना है अवेलेबल। जैसे ही अवेलेबल प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको कंपनी फीचर्स मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं कंपनी फीचर्स में बहुत सारे ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। जाना कहाँ है? F3 प्रेस करके आपको जाना है स्टेटरी एंड टैक्सेशन पर। स्टेटरी एंड टैक्सेशन ये दिख रहा है यहाँ पे, स्टेटरी एंड टैक्सेशन। यहाँ पर शॉर्टकट की दी गई है, साइड में देखिए ये पट्टी पर शॉर्टकट की दी गई है। अगर आपको स्टेटरी पे जाना है तो F3 प्रेस कर दीजिए। तो F3 प्रेस कर दिया, ये लिखिए पूरा विंडो ओपन हो गया है, जीएसटी का पूरा विंडो ओपन हो गया है। यहाँ से Y प्रेस कीजिए, Y कर दिया प्रेस, एंटर कर दिया। यहाँ पर सेट ऑब्लिक अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस कर दीजिए, यस कर दिया। स्टेट चूज कर लीजिए, कौन सा स्टेट है, हमारा तो उत्तर प्रदेश ही है, आपका जो भी है वो चूज कर लीजिएगा। इसको नो रखिएगा, क्योंकि जब यूनियन टेरिटरी की बात आती है तब हम इसको यस करते हैं, तो अभी इसको नो रखिए। यहाँ पर आते हैं 1 अप्रैल 2021 से हमारा जीएसटी लागू हो रहा है। भाई कंपनी जब स्टार्ट होगी तो उसी वक्त से लागू होगा। मंथली जीएसटी फाइल करेंगे, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे जीएसटी आईएन नंबर ऊपर है, आपको दिख रहा है, ठीक है। अब ईवे बिल की बात है तो ईवे बिल को हमें नो रखना है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, इसको यस कर देते हैं। ये है सेट ऑब्लिक अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, इसको यस कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको रेट डालना है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं कितना परसेंट जीएसटी हम लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप 18% लगा दिए तो 9% के हिसाब से सीजीएसटी एंड जीएसटी डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो गया ना, देखिए दिखाई दिया कहां से इसको एक्टिवेट किया जा रहा है। कंट्रोल ए कर दीजिए।